तो दोस्तों हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं नैमिष धाम का, और इस धाम में आपको इस मुख्य द्वार पे खड़े हुए हैं जो चक्रतीर्थ का मुख्य द्वार है, और इस द्वार पे से हम आगे चल रहे हैं और आपको पूरा वीडियो दिखाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे और किस तरह से आस्था में लोग डुबकी लगाते हैं। ये चक्रतीर्थ धाम नैमिष धाम के नाम से मशहूर है, और यहीं से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर 84 कोसी परिक्रमा चालू होता है जो मिश्रिक में होता है, में समापन होता है, मिश्रिक जाकर वही समापन होता है, दक्षिण कुंज मिश्रिक में है। तो दोस्तों इस तरह की यहाँ पर देखिए इस गेट की सुंदरता कितनी ही भव्य बनाई गई है, यहाँ पर इसकी डिज़ाइन को किस तरह से डिजाइन किया गया है रंग बिरंगी। और दोस्तों यहाँ से देश विदेश से लाखों लोग आते हैं इस आस्था की डुबकी लगाने चक्रतीर्थ में। तो दोस्तों आज हम भी आए हैं नैमिष धाम का सेकंड पार्ट लेकर, आपको यहाँ से जो लोग नहीं आ सकते हैं या पहुँच नहीं पाए हैं घर बैठे अपने मोबाइल पर देख सकें, अपने टीवी पर देख सकें, और हमारे चैनल के माध्यम से अगर देख सकते हैं तो उन्हें भी पुण्य के भागीदार बन जाएं ताकि। तो दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे न जाने कितने लोग ऐसे पड़े हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं तो घर बैठे इस चक्रतीर्थ के दर्शन कर सकें। तो दोस्तों कहा जाता है कि महाभारत काल के समय भगवान श्री कृष्ण ने अपना चक्र फेंका था जो यहाँ पर विश्व की केंद्र बिंदु बीच जो होता है धरती, वो यहाँ नैमिष धाम में वो चक्र गिरा था, जो उस सुदर्शन चक्र से ही आज ये चक्रतीर्थ का निर्माण हुआ था। दोस्तों यहाँ पर लोग दूर दूर से आके यहाँ डुबकी लगाते हैं और कहते हैं यहाँ पर डुबकी लगाने से सारे पापों का नाश हो जाता है, सारे पाप धुल जाते हैं, जीवन में जो भी कार्य किए हैं गलत अनजाने अनजाने में हुए गलत कार्य हैं तो यहाँ पर आने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और भी हम आपको दिखाएंगे यहाँ के जो भी दर्शन कराएंगे। फिलहाल हम आपको चक्रतीर्थ की कुछ विशेष बातें बताना चाहते हैं जो कि हमें यहाँ से जानकारी मिली है। तो दोस्तों यहाँ चक्रतीर्थ में स्नान करके कोई किसी को 7 चक्र परिक्रमा करते हैं, कोई 9 परिक्रमा करते हैं, कोई 5 परिक्रमा करते हैं। देख आप वीडियो में देख सकते हैं कि लोग स्नान करने के बाद इसी की पानी में होकर परिक्रमा कर रहे हैं, जिससे यहाँ का मान्यता है कि परिक्रमा करने से ही पाप धुल जाते हैं। तो दोस्तों हम अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आए हुए थे, जिससे हम आपको वीडियो आप तक पहुँचाने में हमें बहुत ही अच्छा लगा। और दोस्तों यहाँ पर बड़े बड़े मंदिर हैं जिनकी बहुत ही मान्यता है, यहीं से 1 किलोमीटर की दूरी पर माँ ललिता देवी मंदिर है, यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट में भी दिखा चुके हैं, हालांकि इसके बाद भी एक पार्ट हम आपको देंगे जहाँ पर माता जी के दर्शन कराएंगे। तो दोस्तों इस महान चक्रतीर्थ की गाथा अगर कही जाए तो ये पुराणों से इसकी गाथा मिलती है। तो दोस्तों ये महान ग्रंथ जो हमें बताते हैं वो नैमिष धाम चक्रतीर्थ यही है। ये उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में करीब 30-31 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों हम यहाँ पर अपनी बाइक से गए जिससे हम आप लोगों को ये दिखा सकें और यहाँ के दर्शन करा सकें। अगर आप लोग नहीं यहाँ पहुँच सकते हैं तो आप लोग घर बैठे अपने टीवी अपने मोबाइल पर हमारा मीना बने ब्लॉग खोलकर आप यहाँ की जानकारी ले सकते हैं, और इस पर हम और भी ट्यूटोरियल बनाकर देंगे आपको जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और यहाँ पर रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था किस तरह से होगी, अगर आप बाहर से दूर से आते हैं तो कहाँ पर रुकेंगे, किस जगह पर रहेंगे, और खाना कहाँ मिलेगा, कैसा खाना मिलेगा, इसकी भी हम आपके लिए ट्यूटोरियल एक बनाकर आपको अगले वीडियो में देंगे। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप को यहाँ आना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, तो हम आपके लिए एक नया ट्यूटोरियल बनाकर स्पेशल फुल ट्यूटोरियल देंगे।
जिससे आपको, चाहे आप भारत से देख रहे हों या अमेरिका से देख रहे हैं या किसी भी कंट्री से देख रहे हैं, तो आपको पूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, हम यहाँ पर सुबह 9 बजे करीब 10 पहुँच गए थे, और ये सुबह का टाइम है मॉर्निंग का, जिसमें हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, और इसके आगे का वीडियो या इसके आगे का पार्ट भी हम आपको बनाएंगे और ट्यूटोरियल बनाकर दे देंगे। यह दधीच कुंड कई ऐसे महान पुरुषों, महापुरुषों के, और महा जो है बड़े ब्राह्म जिसे कहते हैं पंडा लोग यहाँ पर विराजमान हैं, जो पूजा अर्चना कराते हैं, दान पुण्य कराते हैं, और इस जगह पर आने से कहते हैं कि पूर्वज भी तृप्त हो जाते हैं, वैकुंठ चले जाते हैं। ये ऐसे पावन धाम है जहाँ 84 कोसी परिक्रमा यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर समाप्त होती है, जो मिश्रिक धाम से मिश्रिक कहते हैं, और ये फरवरी के महीने में 84 कोसी परिक्रमा चालू होती है। तो दोस्तों, क्या आप लोग कभी परिक्रमा में आए हैं? और जो भी हमारे व्यूअर्स परिक्रमा मेला में आए हैं और परिक्रमा की है, तो वो लोग कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और पुण्य के भागीदार।